उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ देउड़ सिद्ध में चैत्र मास मेलों का आगाज विधिवत झंडा रसम अदा करके हो गया। मंदिर परिषद में उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने परंपरा के अनुसार झंडा रसम की अदायगी की। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी, SDM विशाल शर्मा, DSP जसवीर कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले में श्रद्धालुओं को बड़ा अजूम भी देखने को मिला। मेले में कानून व्यवस्था, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं तथा इसके साथ ही मेले में आज्ञा लेकर ही लंगर इत्यादि लगाने के आदेश दिए गए हैं। चैत्र मास मेले 1 महीने तक चलेंगे और मेले में हिमाचल के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के अलावा बाहरी देशों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने मेला शुरू होने पर बधाई दी और कहा कि मेले को सुरक्षा की दृष्टि से 4 सेक्टरों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं, इसके लिए साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है तथा मेले में अस्थायी शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने की अपील की है। सबसे पहले तो मैं सभी जिला वासियों को एवं प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहूंगी कि आज बाबा बालकनाथ देउड़ सिद्ध मंदिर में चैत्र मास के मेलों का शुभारंभ हुआ है। ये मेले करीब 1 माह तक चलते हैं। इस मेलों में भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे मेले को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी काफी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि जिसमें जिन लाइनों में वो खड़े होते हैं वहां इस बार वाटरप्रूफ मैट भी नीचे बिछाए गए हैं, स्टील की रेलिंग्स भी लगाई गई हैं और अस्थायी शौचालयों का भी निर्माण करवाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। साथ ही लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगी कि देउड़ सिद्ध में पूरी सफाई व्यवस्था बनाने में आप प्रशासन का सहयोग करें।